दोस्तों इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं सो हमारी वेबसाइट को ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको प्रॉपर हेल्प मिल जाया करेंगी, ठीक है। और आपको अगर कोई भी डाउट है एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियोज़ को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई बार आपके एंट्रेंस में क्वेश्चन क्रिएट हुए हैं, ठीक है दोस्त। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि प्रिपरेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और रेगुलर मिला करेंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें मैं कुछ आपको ये बताने वाला हूँ कि कुछ अम्ल एवं उनके उपयोग कौन कौन से होते हैं, और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट अम्लों को लिया गया है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल। तो ये कुछ अम्ल हो गए, और इनके उपयोग क्या क्या होते हैं, कई बार इनसे बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो इस टाइप के छोटे छोटे जितने भी चीज़ें हैं उन सभी को मैं आपको कवर कर दूंगा आपके एंट्रेंस एग्जाम आते आते, ठीक है दोस्त। क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसे ही हम इग्नोर करते हैं, और यही इग्नोर किया हुआ हमारा जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में नुकसान दे देता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको सभी जो है वो टॉपिक पे छोटी छोटी जितनी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे पार्ट बाय पार्ट 20 पार्ट जो है वो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का अपलोड हो चुका है, तो आप उनसे आइडिया ले सकते हैं कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो है वो मैथमेटिक्स की भी वीडियोज़ आपके लिए आएंगी, और छोटी छोटी जो पॉइंट हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि वो कौन से टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है और नहीं है। तो इसमें हम बात करेंगे कि कुछ अम्ल एवं उनके उपयोग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका उपयोग दोस्तों होता है अम्ल राज बनाने में, रंग एवं औषधि निर्माण में, ठीक है। तो इस दो चीज़ को आप याद रख सकते हैं कि अम्लराज बनाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, एवं रंग एवं औषधि निर्माण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग क्या होता है कि विस्फोटक बनाने में, ठीक है, ज़्यादा विस्फोट सामग्री जो है वो बनाने में हम सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम के शोधन में, जो पेट्रोलियम का प्योरीफिकेशन होता है यानी कि शोधन होता है, उसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज़ लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा रंग और औषधि में, तो रंग बनाने में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा औषधि बनाने में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग हमने जान लिया। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है वो इसका उपयोग उर्वरक, फोटोग्राफ और अम्लराज बनाने में, तीन हो गया। अम्लराज बनाने में ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है और नाइट्रिक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है, और नाइट्रिक अम्ल का उर्वरक और फोटोग्राफ बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा फार्मिक अम्ल। और फार्मिक अम्ल का प्रयोग हम जीवाणुनाशक में करते हैं, फलों का संरक्षण करने में करते हैं, चमड़ा, रबड़ स्कंदन में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया कि फार्मिक अम्ल का प्रयोग जो है वो हम जीवाणुनाशक में, फलों का संरक्षण में और चमड़ा, रबड़ स्कंदन में करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे, ये चार जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आता है हमारा ऑक्सैलिक अम्ल। तो ऑक्सैलिक अम्ल का भी हम प्रयोग चमड़े का विरंजन में, कपड़े से स्याही का धब्बा हटाने में, बहुत बार ये होता है कि कपड़े पे स्याही का धब्बा लग जाता है तो उसे हम ऑक्सैलिक अम्ल का यूज़ करके हटा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फार्मिक अम्ल का प्रयोग जो है जीवाणुनाशक में, फलों का संरक्षण में यानी कि फलों को बचाने के लिए, फिर चमड़ा, रबड़ स्कंदन में, तो ये इसमें जो है वो हम फार्मिक अम्ल का यूज़ करते हैं। एक बार और नाइट्रिक अम्ल का देख लेते हैं, तो उर्वरक, फोटोग्राफ और अम्लराज बनाने में। सल्फ्यूरिक अम्ल का देख लेते हैं, तो विस्फोटक बनाने में, पेट्रोलियम के शोधन में। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ये आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे फोटो, तो इसे आप स्क्रीन को शॉर्ट करके रख भी सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर ना कीजिए क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं वो छोटे लाइन से भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जामिनेशन जो है वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि इसमें जो है वो माइंड लगता है, ठीक है। एक लाइन से भी आपका क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। सो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर ना कीजिए और डीपली स्टडी कीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आने पर वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए।
लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड रेगुलर होती हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।